Causes of social change. As societies become more modern, they become larger and more heterogeneous. So, the traditional ways of thinking are declining and individual freedom and autonomy is increasing. This is quite natural that with the involvement of technology, with the involvement of modern means of communication,

ये प्रॉपर नहीं है किसी भी ना सिर्फ फ़र्द के लिए बल्कि कलेक्टिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी माशरे अगर इतनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की की तरफ जाएंगे और इतनी स्पीड से चेंज उनमें आएगी तो ये कैसे मुमकिन है कि जो उनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप था चाहे वो सोशल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में हो डेली रूटीन के अंदर हो बिहेवियरल पैटर्न हो अगर उनको इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे तो वो कैसे को एग्जिस्ट कर पाएंगे इस सारी डेवलपमेंट और स्पीडी चेंजेस के साथ तो उनका ये बिलीव है दैट द सोशल चेंज मस्ट बी स्लो बट ऑन द अदर हैंड द कॉन्फ्लिक्ट थेरी फेवर्स द फास्ट द फार रीचिंग सोशल चेंज टू करेक्ट वट इट व्यूज एज सोशल इनकोलिटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स इन द स्टेटस को फंक्शनलिस्ट का ख्याल है कि स्लो होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट थेरी को मानने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि जितनी तेजी से ये प्रोसेस होगा उसका इम्पेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि फास्ट क्यों हो रहा है दे हैव द दर्स्पेक्टिव दैट वैन देयर आर द गैप्स वैन देयर आर द एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट देन डेफिनेटली थिंग्स हैव टू चेंज एंड दिस स्पीडी चेंज विल ओवरकम दीज ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट But there are definitely certain numbers, there are certain numbers of issues and causes. Those are causing the social changes. Four main causes uh, they are recognized by various school of thoughts. Number one, the technology, then the social institutions, then population, and then the factor of environment. factors Every school of thought is ड द कंसेंसिज ओवर दीज फोर बेसिक फैक्टर्स लाइक द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी चाहे वो फंक्शनलिस्ट हों चाहे वो कॉन्फ्लिक थेरी को मानने वाले हों दे ऑल हैव द सर्टन बिलीव दैट द ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ नो वन कैन डिनाई द रलिटी ऑफ द सोशल चेंज इख्तलाफ इस बात पर नहीं है कि सोशल चेंज आनी है या आ रही है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इख्तलाफ सिर्फ इस बात पर है एक स्कूल ऑफ थाट का ख्याल है कि जो चेंज है वो स्लो होनी चाहिए ताकि उसके साथ एडजस्टेबिलिटी हो जाए दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट थेरी के मानने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि अगर चेंज बहुत स्पीडली होगी तो जो कॉन्फ्लिक्ट राइज करेंगे वो भी उसी स्पीड से काम डाउन हो जाएंगे देन द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है ज़ाहिर फैमिली है एजुकेशन है रिलीजन है और खुद इट्स एल्फ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट का क्या रोल आएगा यहाँ पर कि जो सोर्सेज ऑफ चेंज किसी जगह पर दे आर प्लेइंग एक्टिव रोल द गवर्नमेंट मस्ट हैव टू मोनिटर ऑल दोज सोर्सेज एंड फैक्टर्स अगर गवर्नमेंट चेंज के फैक्टर्स को मोनीटर नहीं करेगी तो दैन डेफिनेटली दे कैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटी और द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन अ नेगेटिव सेंस गवर्नमेंट की और क्या ड्यूटी होती है कि वो किसी भी माशरे को ऑब्जर्व करे और वहाँ पर होने वाली चेंजेस को इस सेंस पर मॉनिटर करे और वहाँ पर पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए चाहे वो मीडिया हो चाहे वो इंफॉर्मेशन के सोर्स हों अगर वो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेंगे तो देन डेफिनेटली द स्पीड एंड द नेचर ऑफ चेंज मस्ट बी पॉजिटिव देन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन जाहिर है जैसे जैसे आबादी बढ़ती है चेंज की ज़रूरत भी आती है और उस पॉपुलेशन को की ज़रूरियात को मैनेज करने के लिए अगर चेंज नहीं लाई जाएगी तो फिर पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी एनवामेंट का फैक्टर इट्स द रियलिटी लोग जो हैं एनवायरनमेंट की वजह से माइग्रेशन भी कर रहे हैं अवेलेबलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फूड सिक्योरिटी वाटर स्कारसिटी दीज ऑल इशूज़ आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट सो वी कैन से दीज ऑल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग दे आर इम्पैक्टिंग द सोशल चेंज एंड इफ दे आर इंटर रिलेटेड देन अ चेंज इन वन एरिया कैन लीड टू चेंज टू आउट इन सब का आपस में ताल्लुक है इन फैक्टर्स का इन सब को मोनिटर करना इन सब को ऑब्जर्व करना दैट इज जॉब ऑफ द स्टेट